मरम स्थान वास्तु के अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं। मरम स्थान वो कंजक्शन पॉइंट्स होते हैं जहां से हमारे घर की एनर्जीज रिलीज होती है। हमारी बॉडी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे घर के वास्तु से होता है। टोटल हमारे घर में 33 मरम स्थान होते हैं, जिसमें से एक महामरम स्थान जो कि सेंटर में होता है, उसके बाद 16 मरम स्थान, उसके बाद 8 उप मरम स्थान और 8 उप मरम स्थान होते हैं। ये मरण स्थान हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करते हैं? अगर हमारे घर का कोई भी मरण स्थान वेधित हो जाता है तो हमारी बॉडी पर उसी जगह पर उसी पॉइंट पर चोट लग जाती है। अगर हम अपने घर को एक ग्रिड बनाकर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर माने और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष की टांगे माने, इस हिसाब से वास्तु पुरुष हमारे घर में औंधे मुंह लेटे हुए होते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में उनका सर होता है और साउथ वेस्ट में उनकी लेग्स होती हैं। साउथ ईस्ट में उनकी दाहिनी कूनी और दाहिना घुटना होता है, नॉर्थ वेस्ट में उनकी बाहिनी कोहनी और बाहिना घुटना होता है। इस तरीके से वास्तु पुरुष हमारे घर में विराजमान होते हैं और 33 मरण स्थान हमारे घर में ऑलरेडी सेफ गार्डेड होते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर हमारे घर का मरम स्थान वेधित हो जाता है तो हमारी बॉडी में उसी जगह पर चोट लगती है। हमारे घर में किसी भी व्यक्ति के चोट लग सकती है, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को उसी पॉइंट पर जहां पर मरम स्थान वेधित हुआ है उस पॉइंट पर चोट लग जाती है और मरम स्थान भेदन होने की वजह से हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आती है। अगर कोई व्यक्ति आपको जनरली कह रहा है कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, मेरे शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, तो आप उनके घर का मरम स्थान चेक कर सकते हैं। उनके घर घर के मरम स्थान से आप ये पा सकते हैं कि क्या उनके मरम स्थान पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं आ गया। अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट मरम स्थान के ऊपर हो जाती है तो वो मरम स्थान दब जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उसी जगह पर पेन स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम किसी मर्म स्थान को भेदित कर देते हैं, कोई कील लगाकर या वहां पर कोई क्रैक आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा उसी पॉइंट पर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अचानक एक्सीडेंट हुआ और उस व्यक्ति के ब्रेन पर चोट लग गई, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई कील तो नहीं लगाई या वहां पर उस दीवार को कहीं हैम्पर तो नहीं किया। अगर उन्होंने वहां कोई कील लगाई है तो उस कील को वो तुरंत निकाल कर वहां पर व्हाइट सीमेंट भर दे, उस व्यक्ति की हीलिंग फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अचानक किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया, तब भी हम अपने घर के मरम स्थान को चेक कर सकते हैं वास्तु पुरुष के हिसाब से कि कहीं उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी ने कील तो नहीं लगा दिया या कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बना दी जिस वजह से उस घर के व्यक्ति के ब्रेन में क्लॉट आ गया। उस चीज को हम तुरंत रिमूव कर देते हैं, उसको हील कर देते हैं और जो व्यक्ति जिसके ब्रेन में क्लॉट आया है या जो किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा है उस व्यक्ति की हीलिंग फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मरम स्थान बड़ा ही ब्यूटीफुल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे घर में। इन्हें सेफगार्ड करके रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम इजीली लोकेट नहीं कर सकते, सेफगार्ड नहीं कर सकते, बट अगर किसी को घर में, किसी भी व्यक्ति को घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पेन्स के रिलेटेड, एक्सीडेंट्स के रिलेटेड, तो हम अपने मर्म स्थान को चेक कर सकते हैं, उन्हें सेफगार्ड कर सकते हैं और उन्हें सही कर सकते हैं ताकि उस घर के व्यक्ति का जो पेन है उससे वो रिलीफ हो जाए और उस घर के व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसकी हीलिंग फास्ट हो जाए। घर के मरम स्थान को सही रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो घर का महामरम स्थान है वो सेंटर में माना गया है, इसीलिए हम घर के सेंटर में कोई भी रेमेडी नहीं करते। घर के सेंटर को हम खुला छोड़ते हैं और घर के सेंटर को हम साफ रखते हैं। घर के सेंटर में अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हो जाती है, ओवरऑल हेल्थ इश्यूज उस घर में आने शुरू हो जाते हैं। तो घर में आप अपने मर्म स्थान को जरूर सेफगार्ड करिए और अगर किसी भी व्यक्ति को पेन्स की प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में किसी भी पॉइंट पर,
या किसी घर में आप देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो उस घर में हम मर्म स्थान को जरूर चेक करके लोकेट करके हील कर देते हैं। धन्यवाद।